झूला जो ना वो बहुत हम लोग तेजी बस में बैठे थे, हम लोग हल्दी में बैठे थे और मैं बाबी ने बहुत इंजॉय किया और थैंक मम्मा ने हमें आपकी प्राइज आप बोलो आपको मजा आया। इस बच्चों को भी आपने देख लिया है और आज का जो है ये रेसिपी और ये आज का व्लॉग ही कह लें, ये बच्चों के कहने पे मैंने बना दिया है। बच्चे जिद कर रहे थे तो ये जैसा कि मसाले का आपको मैंने बता दिया मैंने इसमें क्या क्या डाल दिया। अब ये तीन मैंने ले लिए थे आलू मीडियम साइज़ के और इसको जो है अब मैंने चम्मच चला लिया है और इसी के साथ जो है मैं आपको बताऊँ अब दही और प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, दो प्याज मैंने ले लिए थे उसे मैंने ब्राउन कर लिया था, अब जो है उसे ग्राइंड करके इसमें मैं ऐड करूँगी। तो जी व्यूअर्स इसमें मैंने प्याज और दही ग्राइंड करके डाल दिया था, सॉरी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बच्चे बाहर जाने में इतने खुश हुए हुए हैं कि बस मेरा उनको संभालना मुश्किल हो गया है। तो अब ये देखें इसे मैंने दही और प्याज ग्राइंड किए थे वो भी मैंने डाल दिया, अब बस इसका ऑयल सेपरेट होने का इंतज़ार है मुझे, अब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसमें मैं एक जग पानी डाल दूंगी और आलू चिकन गल जाने तक हम पका लेंगे। और ब्लैक पेपर जो है वो मैंने ग्राइंड करके रख लिया, वो बिल्कुल लास्ट में जो है हम हरा धनिया हरी मिर्ची और ब्लैक पेपर गार्निश करेंगे उससे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जी व्यूअर्स ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, इसे मैंने अच्छे तरीके से जो है भून लिया। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक जग में इसमें पानी डाल रही हूँ, आपने जितना शोरबा रखना है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और इसी में चिकन भी और आलू भी गलेंगे और इसी में जो है हम ग्रेवी भी रखेंगे। मुझे बहुत हल्का शोरबा चाहिए इसीलिए मैंने ये छोटा जग डाल दिया, इसमें दो से तीन गिलास समझ लेंगे, दो से तीन गिलास तकरीबन है ये पानी। तो अब ज़रा चिकन गल जाने तक हम इसे पकाते हैं और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक देती हूँ। तो जी व्यूअर्स हमारा जो है शोरबा रेडी हो चुका है, अब इसमें मैं जो है हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे ज़रा और इसी के साथ मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी और जो ब्लैक पेपर डाल दूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स ये है हमारे काली मिर्चों के शोरबे की फाइनल लुक और इसे आप बनाएं, मौसम चेंज हो रहा है जैसे खांसी बुखार और फ्लू वगैरह का मसला बहुत आम हो जाता है तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं और टेस्ट भी आपको मिलेगा जो हम नॉर्मल शोरबा बनाते हैं रेड चिली वाला उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।